नमस्कार दर्शकों, नजर डालते हैं आज की फटाफट बुलेटिन पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, 15 जुलाई तक देश में ब्लैक फंगस के कुल 45,432 मामले सामने आए, इनमें से 21,085 प्रभावित लोगों का इलाज चल रहा है, वहीं 4,252 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना के बीच मंडराया एक और खतरा, H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा से दिल्ली एम्स में भर्ती एक 11 साल के बच्चे की मौत, देश में एवियन फ्लू से पहली मौत से मचा हड़कंप। ICMR प्रमुख बलराम भार्गव ने कहा, भारत में स्कूलों को फिर से खोलने की शुरुआत प्राथमिक विद्यालयों से करना समझदारी भरा कदम होगा, बच्चों में कम संख्या में एस रिसेप्टर होते हैं जिनमें वायरस चिपकते हैं, वे वयस्कों की तुलना में वायरस संक्रमण से कहीं बेहतर निपट सकते हैं। ओमान में ईद पर सख्त लॉकडाउन, कड़े कदमों ने रोकी कोरोना की रफ्तार, मास्क न लगाने और कोरोना गाइडलाइंस फॉलो न करने पर लगता है भारी जुर्माना। कोरोना को लेकर सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों सदनों के नेताओं से किया आग्रह, हम सबको राजनीति से ऊपर उठकर एक टीम के तौर पर काम करना होगा। कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और शिरोमणि अकाली दल ने इस बैठक का बहिष्कार किया, आम आदमी पार्टी ने भी किया बैठक का बहिष्कार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस सप्ताह कच्चे तेल की कीमतों में करीब 5.87% की गिरावट, देश में पेट्रोल के दाम बुधवार को लगातार चौथे दिन उच्चतम स्तर पर स्थिर, डीजल के मूल्य में भी लगातार छठे दिन कोई बदलाव नहीं। राजस्थान के बीकानेर में बुधवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई। मायावती के बयान पर बीजेपी का जवाब, ब्राह्मण जाति नहीं संस्कार है, यूपी में विपक्ष के प्रलोभन में नहीं आएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि ब्राह्मण समुदाय भाजपा का साथ देगा क्योंकि वह भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय हित के लिए काम कर रही है। दीपक चाहर की शानदार पारी की बदौलत भारत ने रोमांचक मैच में श्रीलंका को 3 विकेट से हराया, भारत को मैच में 276 रनों का लक्ष्य मिला था जिसे टीम ने 49.1 ओवर के खेल में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ये तो फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहनें व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।